हेलो दोस्तों, आज है ना मैं आप सभी को बताऊंगी कि ग्रहण के ऊपर क्या काम करना चाहिए। मतलब जब ग्रहण लगता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब सब कुछ जो भी कर मतलब इस टाइम पे इस पीरियड में क्या करना चाहिए वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या करें। तो सबसे पहली बात तो कि है ना, सभी जानते हैं कि कब से लेके कब तक का ग्रहण लगा है और कब से कब तक ख़त्म होगा, ठीक है। और है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा। आप लोग है ना, मतलब इस पीरियड में आप किसी की बुराई ना करें। मैं आप सभी से, जो भी मेरी वीडियो देखे उन सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ किसी की भी बुराई ना करें और सबको अच्छा बोलें। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो भी आप कर्म कांड करते हो वो सब आपको यही भोगना है, यहीं से मिले, यहीं पर भोग के और यहीं पे जाना है। और अगर ज़्यादा गलत करते हो तो फिर वो आपको पता है कि वो किस जगह पे जाना पड़ता है। लेकिन 90% आपको यहीं पर भोग के जाना पड़ता है, 10% आप ऊपर भोगते हो या जहाँ पर भी नर्क की यातना करते हैं। तो ठीक है ना, मैं आपको मतलब आप लोग सभी के बारे में अच्छा कहो, अच्छी बातें करो, है ना। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप सोना बिल्कुल नहीं है, सोने होने का काम नहीं करना है, क्योंकि भगवान के ऊपर दुख पड़ा है। तो आप लोग भगवान के भजन करो। भगवान के भजन नहीं कर सकते हो तो किसी मंत्र का चेंट करो। जैसे कि मंत्र मैं आपको एक से दो बताती हूँ, या तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय नॉर्मल ये सबको याद रहता है ये करो। और ये भी नहीं कर सकते तो किसी माता जी का कोई भी मंत्र, कोई भी जो आपको पसंद है, जो भी आपकी ज़ुबान पे आता है, जो आपको रटा हुआ है वो करो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि है ना ये वाला करना है वाला, ऐसा नहीं। आपकी जो इच्छा है वो करो, है ना। मतलब मंत्रों का उच्चारण करो यहाँ पर, मतलब अभी सोने सोने का काम मत करो कि सो जाओ, कर जाओ, सोना भी नहीं है। और मतलब ये सब करना है। और जैसे ही ग्रहण ख़त्म हो तब आपको क्या करना है ये बताती हूँ। ये सब करने के बाद में ग्रहण ख़त्म हो तो आप लोग अपने घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करो, घर में झाड़ू पोछा लगाओ अच्छे से। और है ना, जहाँ पर भी आपके भगवान विराजमान है उनको भी, उनके भी उधर भी साफ़ सफाई थोड़ा करो। और मतलब जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत दान करो। और फिर नहाओ और फिर कुछ खाओ, उससे पहले ना तो कुछ मुंह में डाले, ना पानी भी नहीं पीना है इस समय में, क्योंकि भगवान के ऊपर दुख पड़ा है। तो हम कर सकते हैं इतना, क्योंकि जब हमारे हमारे पे भी दुख आता है ना, तो जब हमारे पे दुख आता है तो हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भगवान के लिए तो हम कर ही सकते हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने जिन्होंने हमें इस धरती पर उतारा है, उन जिन्होंने हमारा निर्माण किया है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना किसी की निंदा करे, बिना किसी को गलत बोले, है ना, आप केवल मंत्रों का उच्चारण करें। अगर कोई गलत कह भी रहा है तो उनको ना कहने दें, ना करें, उनको समझाएं। क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, ये रिपीटेड होके वापस आपको ही मिलने वाला है। इसलिए सबके लिए अच्छा बोलें। आप जो चाहते हैं आप जो भी चाहते हैं वो दूसरों के लिए प्रे करें, तो डेफिनेटली भगवान को अगर लगेगा तो वो आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और थैंक यू।